जयपाल संगम लाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। संगम लाल जी बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे हुए थे जहां पर उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकी गई और काले झंडे फेंके गए। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया ये पूरा काम, तो ये क्या ये मुद्दा शांत नहीं होने वाला क्या? देखिए ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो बिन पेंदी के लोटा है जी, ठीक है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे उनको गौरी और गणेश नहीं पसंद आ रहे थे, उनके बारे में वो टिप्पणी करते थे, और जब वहां से हकाले गए और भारतीय जनता पार्टी में जब आए और 5 साल तक सरकार में रहे और जय श्री राम का नारा लगाए, रामचरित मानस उनको अच्छा लगता था, गौरी और गणेश का हर जगह उन्होंने पूजन किया, और जहां यहां भी उनका अगर स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय जब थे तब उनको सबसे भ्रष्ट कोई नेता था तो अखिलेश यादव जी थे, यही उनका भाषण में हर जगह बोलते थे, और यहां स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो अब वो चले गए सपा में। अब सपा में जाने के बाद उनको गौरी गणेश और रामचरित मानस और उनको प्रभु श्री राम ये सब उनको पसंद नहीं है, क्योंकि क्या है किसी नेता को खुश करना है उनको, अगर उनको अगर नेता नमाज पसंद है अगर उनको बोलना है तो 3 हलाला पे क्यों नहीं बोलते हैं। हाँ, ये तमाम बातें हैं संगम लाल जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, लखनऊ का नाम बदलने की जो चर्चा हो रही है, लक्ष्मण के नाम पर रखने की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, ऐसी बातें निकल कर आ रही है, लेकिन वो कह रहे लाखन पासी नाम किया जाना चाहिए। देखिए जो हमारी खोई हुई विरासत है, जो 18वीं सदी में लखनऊ जिस नाम से जाना जाता था, लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी के नाम से वो जाना जाता था, उस नाम को परिवर्तन किया गया है। हमने कोई ऐसा नया नाम रखने के लिए तो मांग नहीं किया है, हम तो अपनी खोई हुई विरासत को वापिस मांग रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इस समझ में नहीं आ रहा है ना, वो कह रहे हैं कि भाई लाखन पासी नाम किया जाना चाहिए, 1857 की क्रांति का जिक्र कर रहे हैं वो। नहीं नहीं देखिए आप इतिहास उठाकर देख लीजिए भाई, जब उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे अनुज लखन को उस विरासत को लखनऊ को दिया था, और उसी समय से वो लखनऊ नहीं लक्ष्मणपुर और या लखनपुर के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में मुगलों ने उसका नाम परिवर्तित करके उसको लखनऊ कर दिया, तो हमने कोई नया नाम मांगना नहीं मांग रहे, हमको अपनी कोई विरासत वापिस मांग रहे, अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं हम, अगर अपने आने वाली पीढ़ी को आज भी गुलामी की दास्तां उनको याद रहे, उनको याद नहीं रहना चाहिए, हम याद किए हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों याद करेगी। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पासी समाज की गौरव उमदा देवी के नाम पर इनका नाम रख दिया जाना चाहिए, तो वो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या सोच है इसके पीछे की? हमारा कहने का मतलब देखिए, हम कोई नया नाम रखने के लिए नहीं मांग किए हैं जी, और न तो कोई नया नाम रखने के लिए कोई औचित्य है। सनातन धर्म जो खोई हुई विरासत है, अब खोई हुई विरासत को अगर हम वापिस उसी नाम से जाना जाए जिस नाम से वो जाना जाता था, तो उसमें किसी को कोई इतराज होना ही नहीं चाहिए। ये कोई राजनीतिक न दाव है ना राजनीतिक कोई फंडा है, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या राजनीतिक फंडा अपना रहे हैं क्या? देखिए स्वामी प्रसाद तो भाई किसी को खुश करने के लिए वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, मैं तो वही तो आपको बता रहा हूँ कि भाई जब बसपा में थे तो गौरी गणेश नहीं पसंद थे, भारतीय जनता पार्टी में आए 5 साल सरकार में रहे और सरकार में रहे तो हर जगह वो गौरी गणेश की पूजा किए, जय श्री राम का नारा लगाए, रामचरित का पाठ किए, और जैसे ही स्वार्थ यहाँ नहीं सिद्ध हुआ वैसे जब सपा का दामन थाम लिए, ठीक है तो आप उनको संगम लाल जी इस वक्त हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी देखिए बड़ा बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि लाखन पासी नाम रख देना चाहिए, लखनऊ का बदलना है तो उनको ये नाम रखना चाहिए, क्या कहेंगे? कपिल श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है? कपिल श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संगम लाल गुप्ता जी, ये जो बयान निकल कर आ रहे हैं, क्या इसको 24 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है क्या? कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सपा के लोग कांग्रेस के लोग, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है,
ये मुद्दा विहीन लोग हैं, जनता ने, देश की जनता ने इनको नाकार दिया है, ये सब भ्रष्टाचारों में लिप्त रहे हुए लोग हैं। और दूसरी बात क्या है कि न तो ये कोई चुनावी मुद्दा है और न तो कोई चुनावी स्टैंड है जी। हम तो जो सनातन से चला आ रहा है, हम जो हमारा उसी की वापिस उसको हमने मांग किया है कि उसको नाम से जाना जाए, लक्ष्मणपुर जी के नाम जाना जाए, उसमें हमने कोई नया नाम रखने के लिए हमने कोई मांग नहीं किया है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के 24 के चुनाव को देखते हुए इस तरह के टारगेट कर रहे हैं क्या, इस तरह के बयान दे रहे हैं क्या? भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई प्रसाद के पास न तो कोई मुद्दा है, वो मुद्दा विहीन व्यक्ति है। हाँ, कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या कह रहे हैं, उनको खुद को भी नहीं मालूम है। बहुत शुक्रिया संगम लाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की और बता रहे कि ये हम कोई नाम बदलने की बात नहीं कर रहे, जो पहले नाम था वही रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि लाखनपासी नाम होना चाहिए लखनऊ का।